हे दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रिव्यू इस स्मार्ट डेविल ब्रांड के इस पोर्टेबल यूएसबी फ़ैन का। दोस्तों ये फ़ैन जो है पोर्टेबल फ़ैन है, आप देख सकते हैं इसका बॉक्स मेरे हाथ में है तो काफ़ी पोर्टेबल है। तो ये बॉक्स जो है इसका फ्रंट से ऐसा दिखता है और ये 4 कलर्स में अवेलेबल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे कि ये 4 कलर्स इसके आते हैं और ये अमेज़न से मैंने इसको परचेज़ किया है। तो उसका बाइंग जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इसकी यहाँ पे बॉक्स पे कुछ फ्रंट पे डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं 20 डिग्री पिच एंगल एडजस्टेबल, इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको मैं खोल के दिखाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। बाकी स्टेपलेस स्पीड नॉब कंट्रोल है, तो यहाँ पे हमें जैसे कि आप देख सकते हैं कंट्रोल मिल जाता है फ्रंट पे। और 5 फैन ब्लेड्स हैं, तो 5 ब्लेड दिए गए हैं इसके फ़ैन के अंदर। बाकी साइड में ऐसे फ़ैन लिखा हुआ है और बैक साइड पर ये कुछ इसके हमारे फ़ैन के कलर्स अलग दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिंक कलर है, ये ब्लू है, ये वाइट है और एक ये वाला कलर है क्रीम कलर में। बाकी ये कुछ डिटेल दी हुई हैं इसकी यहाँ पे प्रोडक्ट पैरामीटर्स के अंदर के ये जो है मॉडल नेम इसका है 330, यूएसबी फ़ैन है, प्रोडक्ट साइज़ ये दी हुई है, डायमेंशंस और इसका इनपुट जो वोल्टेज लेता है 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर। तो इसे आप एक बेसिकली यूएसबी चार्जर जो होता है 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर आउटपुट का, उससे भी आराम से चला सकते हैं। ये अपने लैपटॉप वगैरह से भी लगा करके आप आराम से चला सकते हैं। बाकी इसकी एसरीज में जो पैकिंग में हमें मिलता है एक फ़ैन, एक यूएसबी चार्जिंग केबल और एक हमारी इंट्रोडक्शन यानी कि इसकी जो मैनुअल होती है। तो चलिए फटाफट अब इसे इसके बॉक्स से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये है फ़ैन, इस तरह से वाइट कलर में मिल जाता है और ये फ्रंट से ऐसा है, बैक से ग्रिल ऐसी है। अभी इसे देखते हैं, इसके अलावा हम इसके जो बाकी एसरीज हैं वो निकाल के दिखा देता हूँ। ये हमारा एक पैक मिल जाता है और बाकी जो है बॉक्स में हमें कुछ ये मैनुअल वगैरह मिलती है इसकी, साथ में वारंटी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, इस तरीके से कुछ ये हमें मिलती है। तो इसको हम अंदर ही डाल देते हैं बॉक्स में। बाकी इसके साथ में ये जो आता है यूएसबी केबल है मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ एक ये यूएसबी केबल मिल जाता है इसके साथ में, तो अच्छा खासा लंबा केबल है हमें जो इसके साथ में ये मिलता है यूएसबी केबल। क्वालिटी इसकी दिखा दूँ मैं, तो ये इसकी क्वालिटी ऐसी, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी यूएसबी केबल की, आप देख सकते हैं ओवरऑल पोर्ट्स की जो क्वालिटी अच्छी है और केबल की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। चलिए इसके यूएसबी केबल को अब हम अभी रखते हैं साइड में, चला के दिखाएंगे जब से आपको फ़ैन का एक ओवरव्यू दे दूँ। सो दोस्तों ये है फ़ैन, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। फ्रंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट डेविल, इसकी ब्रांडिंग दी हुई है। ये फ्रंट है इसकी और ये नॉब है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी ये नॉब, यूं करके हम इसे ऑन करेंगे तो ये आवाज़ आती है कट से, ये आपको आ रही होगी आवाज़, तो इस तरह से ऑन हो जाता है। और इसको हम ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज में दिखाऊं मैं आपको, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो माइनस पे तो जाहिर सी बात है स्पीड हल्की हो जाएगी और बिल्कुल इधर कर देंगे ऑरेंज इधर है ऑफ हो जाएगी, और इसे आप ऑन करेंगे इस तरह तो ये पूरा इधर ले आएंगे, तो इस तरह से ये पूरा फुल स्पीड पर चलेगा और इस तरह से आप इसकी स्पीड यहाँ से यूँ कंट्रोल कर सकते हैं कम ज़्यादा करके। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर बैक से यहाँ पे जो है बैक साइड पे यूएसबी पोर्ट का इनपुट है, तो यहाँ से इसको पावर दी जाएगी यूएसबी केबल के थ्रू। बाकी इसका बॉटम आप देख सकते हैं, बॉटम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे रबर की जो है ग्रिप्स दी हुई हैं, रबर की ग्रिप्स हैं, 3 मिल जाती हैं इसके अंदर, तो अच्छी बात है कि जल्दी ये सरकेगा नहीं किसी स्मूथ सरफेस पे से। और बैक से इसकी ग्रिल ऐसी दी गई है, आप देख सकते हैं 5 ब्लेड्स का जो है फैन दिया गया है इसके अंदर। और बाकी इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर इस तरह से आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गैप दिया गया है इसके स्टैंड में, तो इसका जो आप एंगल है वो एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से रखने के बाद में, आप देख सकते हैं ये पीछे हो गया, अब वो रख के हो पाएगा एक्चुअली, इस तरह हाथ में पकड़ के थोड़ा सही से नहीं हो रहा, ऐसे आप देख सकते हैं ये इसका ये फेस आगे हो गया और ऐसे मैं करूं तो ये आप देख सकते हैं ये पीछे हो गया, तो इस तरह से इसको आप फेस इसका ये एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास में MI का पावर बैंक है 20,000 mAh वाला, तो इससे अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये इसका केबल, इसको हम लगा देते हैं इसमें, ठीक है, तो ये रख दिया पावर बैंक मैंने यहाँ पे, और अब इससे हम इसे चला के देखेंगे। इसके पीछे USB केबल में मैं लगाता हूँ इसे, पहले देख लें इसका स्विच ऑफ है, ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है गाइस, तो इसका केबल जो है मैंने लगा दिया है पीछे और अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, आपको फ़ैन दिख रहा होगा, तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ। ठीक है, चल गया है पावर बैंक से, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर की लाइट जल रही है इसके बॉटम में, आप लोगों को दिख रही होगी ये लाइट, और फ़ैन की आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं माइक को करीब ला के दिखाता हूँ।
इसकी स्पीड में कम ज़्यादा करता हूँ, फिर आपको थोड़ा आवाज़ का भी अंदाज़ा होएगा इसका एयर फ्लो का। स्पीड मैंने इसकी आप देख सकते हैं कम करी, तो आवाज़ थोड़ी हल्की हो गई। एयर फ्लो मैं कहूँ मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे से इसकी एक तदवीर भी रखूँ मैं तो बहुत अच्छे से इसकी एयर यहाँ तक आ रही है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप इसे 2 फुट या 2.5 फुट तक भी दूर रखें तो उसकी एयर फ्लो आपको अच्छी मिलेगी, 2 से 2.5 फुट आपको अच्छी मिलेगी। मैक्सिमम मैं कहूँगा 2 फुट ही रखें तो आपको बहुत अच्छा एयर फ्लो मिलेगा, 2.5 फुट थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन 2 से 2.5 फुट में अच्छा एयर फ्लो आपको दे देगा। और पोर्टेबल है, आप इसे काफ़ी अच्छा है, पावर बैंक से भी चला सकते हैं, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके चला सकते हैं। और मैं कहूँ लैपटॉप का अगर आपके पास जैसे स्टैंड होता है लाइक इस तरह का स्टैंड मैं दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों, इस तरह का अगर लैपटॉप का स्टैंड आपके पास भी रहता है तो उस लैपटॉप आप जैसे कि स्टैंड के ऊपर आप रखेंगे ऊपर की तरफ, और इसको जो है नीचे से इस तरह से आप रख सकते हैं टिका करके, इस तरह से आप रख दें इसे तो आपके लैपटॉप को भी ये अच्छे से कूल कर देगा, क्योंकि लैपटॉप आपका इस तरह सरफेस पर रखा होगा, बहुत अच्छे से एयर फ्लो देगा, है काफ़ी अच्छे एयर फ्लो देगा आपके लैपटॉप के थर्मल्स को, ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकता है गेमिंग वगैरह के अंदर, क्योंकि गेमिंग में लैपटॉप वगैरह भी काफ़ी हीट होते हैं, तो कई तरह से आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। सो एक बार मैं पेपर रख के सामने इसका एक एयर फ्लो का एक और अंदाज़ा देता हूँ आपको, एयर फ्लो पता चल रहा है सामने पेपर ये कितने तेज़ उड़ा पा रहा है। सो गाइस, फ़ैन को मैंने ऑन कर दिया है अभी, और आप देख सकते हैं ये इसका जो लैपटॉप स्टैंड है वो पीछे रखा हुआ है, जो मैंने दिखाया था उसी का एक कवर है, तो ये थोड़ा सा मोटा है आप देख सकते हैं इस तरह से, ये थोड़ा सा मोटा कवर है, तो इसको हम उड़ा के देखेंगे, पेपर तो बहुत आराम से उड़ेगा तो इसको ये कितने अच्छे से कर पाता है। तो इसके मैं करीब ले आ रहा हूँ, आप देख रहे हैं पीछे की तरफ मोड़ रहा है, अब मैं इसे दोबारा पलटता हूँ, तो फुल स्पीड पे है फैन ये, तो यहाँ से पकड़ता हूँ, आप देख रहे हैं इसका एयर फ्लो आप समझ सकते हैं। तो अब 2 से 2.5 फुट वैसे आप इसको करेंगे तो अच्छा खासा ये आपको एयर फ्लो देगा, देख रहे हैं पीछे की तरफ मुड़े आ रहा है इसकी हवा के प्रेशर से, तो हवा का प्रेशर इसका कहूँगा मैं इसकी पोर्टेबिलिटी के हिसाब से अच्छा है, मतलब आपको फेस पे अपने एयर लेनी है बेसिकली, जाहिर सी बात है पूरे कमरे के लिए तो नहीं होते पोर्टेबल फैन, और पावर बैंक से हम चला रहे हैं बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो आपको फेस वगैरह पर अपने हवा लेनी है, लाइक आप काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर डेस्क वगैरह पर या कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं आपको, जहाँ पे आपको प्रॉपर एयर ना मिल रही हो, या बहुत सारे ऑफिस होते हैं खाली एसी होता है, एसी सही नहीं काम कर रहा, फ़ैन नहीं होते, तो आप इसे लगा करके रख लो अपने फेस के ऊपर, बहुत अच्छे से आपको 2 से 2.5 फुट दूर से आपको बहुत अच्छी फुल इसकी स्पीड के ऊपर हवा देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू इस स्मार्ट डेविल USB फ़ैन का। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और ऐसी ऑसम वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे मिलता हूँ जल्दी मैं एक और अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।